हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आर्गन वेल्डिंग देखने वाले हैं और आर्गन वेल्डिंग मारने वाले हैं हमारे मुखिया जी, जिसका नाम है प्रदीप। और ये आर्गन आर्क सभी वेल्डिंग मारते हैं, आई थिंक मिग भी मारते होंगे, पर वो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आर्गन वेल्डिंग। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिटिंग के साथ में आपको बताने वाले हैं वेल्डिंग का, पहले फिटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें फिटिंग आर्क का जो देखेंगे उससे डिफरेंस है, तो सब कुछ देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रदीप जी, सबसे पहले हम लोगों को फिटिंग के बारे में बताएंगे कि फिटिंग कैसे करते हैं। तो प्रदीप जी, सबसे पहले आप आ जाइए थोड़ा वहाँ से इधर, और फिटिंग का बताइए कि कहाँ पे कैसे पहले फिटिंग करते हैं। जैसे ये फिटिंग करना हो, सबसे पहले तो मशीन को फिट करना रहता है, तो कैसे क्या फिटिंग करते हैं ये बताइए हमें। यह है हमारा ऑक्सीजन, राइट? नहीं, आर्गन गैस है। एक्चुअली ये ऑक्सीजन जैसे दिख रहा है, इसका कलर से आप देख सकते हैं ये आर्गन गैस का, ऑक्सीजन का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे प्रेशर भी सेटिंग किया जाता है, तो ये बताएंगे यहाँ से आप प्रेशर, वहाँ से एक बार चालू हो जाने के बाद यहाँ से आप प्रेशर ज़्यादा जितना भी सेट करना है, कम ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो लाइन है कनेक्ट हो गया है यहाँ पे, तो ये जो क्या है टर्च है इसका, ये होल्डर है, बेल्डिंग से आएगा, और ये जो है टॉर्च है ना, ये टॉर्च इसको बोलते हैं, ये बेल्डिंग से आया हुआ है ये। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कहाँ है, और इसके साथ में जो कनेक्ट होता है ये बेल्डिंग मशीन भी कनेक्ट होता है। और ये बेल्डिंग मशीन में दो होता है, एक से तो होल्डर में रहता है, एक से हम लोग अर्थिंग लेते हैं। तो अर्थिंग लेने के लिए देखिए, एक यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट कर दिया गया, जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं उसमें अर्थ कनेक्ट कर दिए हैं। और दूसरा चीज़ है जो है, जो होल्डर रहता है, जो होल्डर है यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होल्डर यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और देखिए यहाँ पे भी फिटिंग पूरे, जैसे रड आप पकड़ते हैं आर्क में, वैसा ही यहाँ पे भी ये पकड़ा हुआ है होल्डर, तो पूरे अच्छे से ही पकड़ा हुआ है। अब वेल्डिंग मशीन में जब आप आर्क मारते हैं तो वहाँ पर करेंट आप सेट करते हैं, ठीक है, कि कम ज़्यादा करते हैं, पर यहाँ पर जो है आर्गन गैस जो है ना, आर्गन गैस जो होता है वहाँ यहाँ पे वो सेट करना रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ और पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो ये सेट करते हैं आर्गन के लिए, मतलब वेल्डिंग का करंट आर्क में, वैसे ही एक बार इसको फिक्स कर देते हैं, इसमें करंट कम लगता है, तो एक ही बार फिक्स होता है कि बार बार चेंज करना पड़ता है? वो ज़्यादा थिकनेस आएगा ना, हाँ, तो करंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हाँ, जैसे थिकनेस पे, तो यहाँ पे वेल्डिंग से ही करंट हम लोग भी चेंज करते हैं, तो वेल्डिंग से इसका करंट भी चेंज करना पड़ता है। और रहा बात आर्गन गैस के लिए, तो आर्गन गैस भी बार बार चेंज करना पड़ता है? इसका एक ही बार गैस चेक कर लेंगे, जहाँ इतना गैस आ रहा है, मतलब जैसे गैस कटिंग में जितना गैस सेट प्रेशर सेट करते हैं, वैसे ही एक बार सेट कर दिए, फिर दोबारा बार बार नहीं करना रहता है। तो इसमें आर्गन गैस का भी फिटिंग, मतलब जो करना रहता है एक बार ही कर देते हैं, ये जैसे ऑक्सीजन आप सेटिंग करते हो, वैसे ही आर्गन गैस भी सेट एक बार कर दिए, तो ये फिक्स रहेगा। बाकी जो करेंट बढ़ाना और कम करना रहता है वो यहाँ मशीन से सेट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले जो भी है यहाँ पे हेलमेट आप पहन लीजिएगा, साथ ही में जो देख रहा उसको भी पहने होना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं भी ग्लास एक ले लेता हूँ, तो एक मिनट रुकिए, तो मेरे को एक कोई ग्लास दे दीजिए फिलहाल में, मेरे लिए ग्लास अभी आ रहा है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे वेल्डिंग दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आर्गन के जो वेल्डिंग हुआ है ये हुआ है। अभी इसमें ग्राइंडिंग भी, ग्राइंडिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कीटू पेस्ट मारा जाएगा, जिसको फिनिशिंग मतलब आ जाएगा, ऐसे जो कलर है ना सेम कलर इसमें मैच हो जाएगा। तो आपको जब वो फिनिशिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान देना चाहिए। देखो, मेरे लिए ग्लास भी लगे हैं, मैं इसी से देखूँगा ताकि जो भी हो वो अच्छे तरीके से दिख सके और लाइट ना लगे, ठीक है। बहुत हेवी रहता है, मैं भी देख लेता हूँ कि कैसे यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो फिटिंग तो हो रहा है, जल रहा है भाई साहब, आपको तो दिख रहा, मैं ग्लास एक लगाया हूँ इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे देख ही नहीं रहा हूँ, मोबाइल से ही दिखता हूँ। और सीखने के लिए आपको ये देखना रहता है, देखिए ये चलाने के बाद ये हाथ जो है एक घुमाना पड़ रहा है, मतलब रोटेट करते रहना पड़ रहा है। जो आपको स्टिक लिया गया है, जो रड लिया गया है, उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसको मेल्ट कराना है। और जो यहाँ पे मतलब होल्डर है
उसको आपको रोटेट करते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बारीकी से, जैसे आप अभी नग्न आँखों से देख पा रहे होंगे, पर एक्चुअल में जब आपको यहाँ पे देखना हो जहाँ पे बिल्डिंग हो रहा है वहाँ पे आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो लाइट लगेगा और इसका लाइट जो होता है बहुत ही मतलब डेंजर लाइट होता है। रात को आप सो नहीं पाएंगे, आलू प्याज सब काटना पड़ जाएगा आपको, दवा तक खाना पड़ता है, तो वो सब आप देखे ही होंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जब देखिए जब बिल्डिंग आप मार रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कैमरा में आपको शायद अच्छे से नहीं देख पा रहा होगा, पर जब आप ग्लास लगाते हैं तो और लाइट कम दिखता है, जिसकी वजह से और अच्छे तरीके से इसमें दिख पाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि बिल्डिंग यहाँ पे कनेक्शन हो पा रहा है, मतलब बिल्डिंग हो रहा है, तो देखिए कितना फिनिशिंग आ रहा है। जैसे ये आ रहा है मतलब वैसे ही ये भी है, मतलब इसको जहाँ जहाँ पे अगर आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा तो इसको यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब यहाँ पे फिनिशिंग जब लास्ट में फाइनल दिया जाएगा तो ये आपको इस टाइप का फिनिशिंग हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ना सेम कलर हो गया है, तो ऐसा फिनिशिंग आने लगेगा। अभी बहुत सारा बिल्डिंग है, अभी बहुत सारा बिल्डिंग मारना है, कई लोगों पे बिल्डिंग जो मारते हैं ना तो जो बिल्ड यहाँ पे एसएस का रड इस मशीन में लगा के भी बिल्डिंग कर लेते हैं, पर उससे बेटर ये होता है। अगर आप देखेंगे अभी ये फिनिशिंग के साथ में कितने मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो बिल्डिंग देखिए कितना अच्छा मारा गया है। और एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए ये फिनिशिंग फाइनल यहाँ पे डायरेक्ट बिल्डिंग होता है मुखिया जी, क्या और फाइनल दोनों होता है? तो अभी जो हम लोग मार रहे हैं रूट है कि फाइनल है? अभी तो इसमें थिकनेस कम थी तो एक ही राउंड में फाइनल। ओके, तो देखिए जैसे थिकनेस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कम थिकनेस है तो जिसके वजह से एक ही राउंड में मतलब फाइनल मार दिया जा रहा है। तो फाइनल मारने के बाद आप देख भी रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी के भी आ रहा है, मतलब पूरे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ज्वाइंट जो भी नो जरूर मारा जाता है, दोनों भी नो जाएगा तो बिल्डिंग अच्छा से हो पाता है, तो डायरेक्टली आप पूरा टच रहेगा तो नहीं हो पाए। भी नोज यहाँ पे दोनों कर से मारिए, उसके बाद से बिल्डिंग करिए तो प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट होता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।